दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। घोड़े का स्पर्म इतना महंगा क्यों होता है? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लड़की घोड़े का स्पर्म कैसे निकाल रही है। ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये लोग कुत्ते का स्पर्म निकाल रहे हैं। आखिर ये लोग स्पर्म निकाल कर करते क्या है? आखिर क्यों होता है घोड़े का स्पर्म इतना महंगा? चलिए जानते हैं कैसे वैज्ञानिक इससे हर साल अरबों का बिजनेस करते हैं। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगी चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान के कान खड़े हो जाएं। लेकिन हम आपको आज जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। हम बात कर रहे हैं घोड़े के सीमन की, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की है। यहाँ तक कि घोड़ा अच्छी नस्ल का है तो उसके सीमन का 1 ml यानी मिलीलीटर 1 लाख की कीमत में बिकता है। आप सोच रहे होंगे भला इसमें ऐसा क्या है जो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा काला सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने घोड़ा बेचकर सोने वाली कहावत तो सुनी होगी। ये अधिकतर उन लोगों के लिए कहा जाता है जो आराम की नींद लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उन्हें यही कहावत क्यों कही जाती है? असल में दोस्तों घोड़ा यानी हॉर्स बहुत ही महंगे में बिकते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर एक इंसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ 4-5 घोड़े हैं, तब भी वो अमीर आदमी। अगर घोड़े अच्छी नस्ल के हैं तब तो वो बंदा करोड़पति है, क्योंकि मार्केट में अच्छे घोड़ों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। असल में जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं उन्हें घोड़ों की रेस में दौड़ाया जाता है, जिस पर बेटिंग होती है, और अमीर लोग उस बेटिंग में हर रेस के हिसाब से करोड़ों रुपए दांव पर लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिन घोड़ों पर करोड़ों रुपए दांव पर लगाए जाएंगे उनकी कीमत तो महंगी होगी। बिल्कुल ऐसा ही घोड़ा है एक बिंग स्टार, जो एक नहीं बल्कि 2-2 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। और ऐसा करना किसी भी नस्ल के घोड़े के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बार तो जैसे तैसे कोई घोड़ा प्रतियोगिता जीत भी जाए, लेकिन 2-2 बार किसी प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे में अगर किसी घोड़े ने 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया तो उसके मालिक की तो लॉटरी निकल गई, क्योंकि उसके बाद उस घोड़े के सीमन की कीमत आसमान छूने लगती है। क्योंकि लगातार रेस जीतने पर लोग ये समझ जाते हैं कि ये एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है, और अगर इसी नस्ल के घोड़े उनके पास होंगे तो वो भी रेस जीत सकते हैं। इसलिए मार्केट में इस तरह के चैंपियन घोड़ों के सीमन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। परंतु दोस्तों जिस तरीके से घोड़े के सीमन को निकाला जाता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो घोड़े को तंदुरुस्त और सुंदर सी घोड़ी दिखाई जाती है, उसको ललचाया जाता है। जैसे घोड़ा पूरी तरह से घोड़ी के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है, इसके बाद उसे आर्टिफिशियल सैडल पर चढ़ा दिया जाता है। घोड़े को लगता है कि असली घोड़ी के ऊपर सवार है, और तभी जब वो हल्का होने लगता है उसके ठीक नीचे एक व्यक्ति सीमन कलेक्ट करने के लिए बोतल को लगा देता है और सीमन कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद इन सीमन को छोटे छोटे ट्यूब्स में भरा जाता है, जो बिल्कुल पानी पीने वाले स्ट्रॉ के पाइप जैसे होते हैं। इन छोटे से ट्यूब में बहुत ही कम मात्रा में सीमन होता है, लेकिन इतना सीमन किसी भी घोड़ी को प्रेग्नेंट करने के लिए काफी है, और इस एक पतले से ट्यूब की कीमत 80 से लेकर 84 हजार होती है। हर एक ट्यूब में 150 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक स्पर्म सेल मौजूद होते हैं। अब दोस्तों अगर हम बिग स्टार जैसे घोड़े की बात करें तो ये दिन भर में एक बार हल्के होते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने मेंटिंग सीजन में 8 महीने में करीब $20 मिलियन का सीमन अपने मालिक को निकाल कर दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अच्छी नस्ल के घोड़े का सीमन स्टोर करके भी रखा जाता है। जो लोग घोड़े के सीमन का कारोबार करते हैं उनके पास इसे स्टोर रखने के लिए एक खास तरह का कमरा होता है। आप ये समझ लीजिए, ये कमरा किसी न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं होता। यहाँ पर इतनी ज्यादा सुरक्षा होती है कि कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। और ये सुरक्षा इसलिए है क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों घोड़ों के सीमन रखे जाते हैं, जो कि अलग अलग नस्ल के होते हैं और इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। सीमन को स्टोर में डालकर स्टोर किया जाता है, और जब डिमांड आती है तो उसे निकालकर बेच दिया जाता है। वैसे आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां एक स्टॉक की कीमत 80 से 84 हजार होती है, तो वहीं ऐसा कमरा जहां पर इस तरह के हजारों स्टोर रखे हों, उस कमरे की कीमत क्या होगी अंदाजा लगा लो। और ये वजह है कि इस कमरे को किसी खुफिया तिजोरी की तरह संभाल कर और सुरक्षा पूर्वक रखा जाता है। असल में दोस्तों घोड़ों के सीमन की कीमत उनके जेनेटिक्स में छुपी होती है, क्योंकि जिस तरह हम इंसानों में जेनेटिक्स पर हमारी पूरी लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है, ठीक उसी तरह जानवरों का भी होता है। लेकिन ये चीज खास तौर पर घोड़ों में देखी जाती है, क्योंकि जिस घोड़े की नस्ल उसके जीन सबसे बेहतर होते हैं
उसके मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा होती है, और डिमांड ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। वैसे आप ये जान लीजिए सीमन से भरे स्ट्रॉ को खरीदने के बाद क्या किया जाता है। दोस्तों जैसे ही कोई घोड़ा रेस में मेडल जीतता है या फिर टॉप रैंक में आता है तो लोगों की नजर में चढ़ जाता है, और फिर लोग इस तरह के नस्ल के घोड़े पाने के लिए उसके सीमन की डिमांड करते हैं, जिसके बाद उसके सीमन की एक अच्छी नस्ल के घोड़े के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। जब घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो उसके कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है, और फिर 3 से 4 साल तक बच्चे को अच्छी तरह से पाला पोसा जाता है, और फिर घोड़े की उस बच्चे की बोली लगती है, या फिर समझ लो जो खरीदार आते हैं वो अपनी अपनी कीमत बताते हैं, और फिर घोड़े का मालिक सबसे ज्यादा कीमत देने वाले इंसान को घोड़ा बेच देता है। कीमत की बात करें तो दोस्तों एक अच्छी नस्ल के घोड़े की कम से कम कीमत $1,00,000 होती है, यानी भारतीय रुपयों में 75 लाख रुपए। अब आप समझ गए होंगे घोड़ों का ये व्यापार कितना बड़ा है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, क्या आपको भी घोड़े पसंद है, इसके बारे में हमें कमेंट में बताना ना भूले, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।